मानव नेहा, देखो सजावट कितनी अच्छी हो रही है, सर बहुत खुश होंगे। सजावट से ज्यादा वो तेरी ड्रेस को देख के खुश हो जाएंगे। देखना ये फैशन शो तू ही जीतेगी। नहीं पिद्यो, इस फैशन शो की ट्रॉफी पे सिर्फ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का नाम लिखा हुआ है। क्या मोंटू बस अब ट्रॉफी पे नाम भी लिख के आ गए पर मुझे बताया नहीं? ये गलत बात। ये वकूफ, वो तो मैं एक डायलॉग मार रहा था पर इस डायलॉग का मतलब ये है कि कंपटीशन सिर्फ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जीतेगा, समझा? कद्दू मिलेगा आपको, वो भी सड़ा हुआ। अरे बॉस, अगर आपको ये कंपटीशन जीतना ना तो चित्रंजन दास, मनोरंजन दास चटर्जी उर्फ चिट्टू, उसका छाता यूज करना पड़ेगा। छाता? नहीं, मैं वो छाता किसी भी कीमत पे यूज नहीं करूंगा। तुझे पता है ना उस छाते ने मेरी कैसी हालत कर दी थी। अरे बॉस, अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लोगे ना तो पिद्दी लोग कंपटीशन जीत जाएंगे। ठीक है, पिद्दी लोग को हराने के लिए मैं ये छाता यूज करूंगा। तो वो छाता यूज करने से पहले मैं इन पिद्दियों के उस छाते से बैंड बजाऊंगा। ये बॉस आराम से बोलो, अगर सर ने सुन लिया ना तो आपको कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बेवकूफ रोहित, मेरे पास इसका इलाज है। देखना, मैं ऐसा बेचेंज करके आऊंगा। सर को क्या, इन पिद्दियों को भी नहीं पता चलेगा। मानव के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। महाविनाशनी, छोड़ दो मेरी माँ को, ये लड़ाई तुम्हारी और मेरी है। नहीं बालवीर, ये तुम्हारी और मेरी लड़ाई नहीं है, ये तो अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। जहाँ आज अच्छाई हारेगी और बुराई हमेशा के लिए जीत जाएगी। बहुत हो गया माँ बेटे का मिलन, अब चलो मेरे साथ। माँ, माँ, बेटा बालवीर, बेटा, ओ देखो, महाविनाशनी, मेरी माँ को छोड़ दो। कर लो अपनी माँ के अंतिम दर्शन बालवीर। जिस कमरे में वो कैद है उसकी दीवारें आगे बढ़कर टकराएंगी और बिना अपनी शक्ति होके तुम एक साधारण बालक हो बालवी। अपनी माँ को बचाना तो दूर, तुम अपनी माँ तक पहुंच भी नहीं पाओगे। महाविनाशनी, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा मेरी माँ ने? जन्म दिया है तुम्हें मेरे सबसे बड़े दुश्मन को, इस गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तो अलविदा बालवीर, कर दो अपनी माँ को विदा और अपनी बची हुई जिंदगी इस मायावी महल में बिता देना तड़पते हुए, क्योंकि कोई नहीं आएगा। एक बार ये शेरवानी ठीक से पहन के छाते के साथ रैंप पे उड़ के उतरने का रिहर्सल करता हूँ।
करो बॉस बटन नट। ये बटन बंद क्यों नहीं हो रहा है? अरे मोंटू बॉस, दो लार्ज पिज्जा खाने के बाद आपने इस ड्रेस को पहन लिया, वही बड़ी बात है। मोंटू बॉस, जब ये दोनों पिज्जा हजम हो जाएंगे ना, तब ये अपने आप बटन लग जाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। चुप। मोंट द ग्रेटेस्ट लखानी जो सोचता है वो कभी नहीं करता। राइट। हाँ। ये बकुप कहीं के मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जो सोचता है ना, वो करके दिखाता है। अब देख, ऐसे ऐसे ये बटन बंद हो जाएंगे। करो। पेट अंदर लो। चले गए क्या? जिंदा है। वेरी गुड वेरी गुड। वन डाउन, टेन टू गो। हो गया बस, बहुत हो गई मेहनत। अभी इतनी मेहनत की है तो खाना तो बनता है। हाँ बनता है बनता है। चलो मंटू बस खाते हैं। क्या खाते हैं? खाता हूँ। नहीं मंटू बस, देखा अकेले अकेले खाने का यही नतीजा होता है। एनीवेज बॉस, बॉस ये ड्रेस का तो होके ही रहेगा, लेकिन मोंटू बॉस अब आप हेयर स्टाइल बना लो, उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स से। सच्ची? हाँ बॉस, आपको पता है ना, आपका चेला कभी झूठ नहीं बोलता है। हाँ राइट। अब देखना, ऐसी हेयर स्टाइल बनाऊंगा, ऐसी हेयर स्टाइल बनाऊंगा। ये सारे मार्क्स मेरे पास ही आएंगे। सारे मार्क्स आपके पास आएंगे। मोंटू बॉस, आपके अपने बालों में महाचिप को गम लगाने वाले कि सब मार्क्स आके आपके बालों में चिपक जाएंगे। बेवकूफ, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। प्लान। ये क्या है बॉस? ये हाँ, ये मेरा हेयर स्टाइल है। हेयर स्टाइल ये बैग में? हाँ, मैंने मेरे ग्रेटेस्ट चाची के द ग्रेटेस्ट ब्यूटी से बहुत सारे बीज लाए। मैं अभी इन्हें ट्राई करके देखता हूँ। खुश तो बहुत हुए होगे तुम। नहीं नहीं, मैं तो खुश नहीं हो रहा। ये वाला मेरा फाइनल वीक है। वाओ, क्या मोंटू बॉस, आपको यही वीक मिली? हाँ, ये लास्ट है और बेस्ट है। ले तू भी ये वीक पहन ले। हा? और चल हम टीचर्स को जाके इम्प्रेस करते हैं। जल्दी पहन। वाह, चलो बस। बालवीर मैं यहाँ हूँ। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। Huh!
चिंता मत कीजिए, मैं आता हूँ। हाँ बेटा। लगता है ये वही रास्ता है जो मुझे माँ के पास पहुंचा सकता है। खुश नहीं हो रहे, वो आपका मजाक उड़ा रहे। ओए चिंटू, चल तू मुझे एक बात बता, तू मेरे बाल देखकर खुश हो रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है? पानी डाल दिया, बोल क्या लगा? तेरे को सही का? मेरा चेला होकर मुझ पर ही हंस रहा है। वैसे महाविनाश नहीं, चाहे कुछ भी कर ले, बाल नहीं जा पाएगा वो बच के यहाँ से। है ये तय? सही कहा तुमने तोपा। बालवीर को तो मैंने मायावी महल पहुंचा ही दिया, अब परियों की बारी है। परिलोक में मैं बहुत बड़ा हमला करने वाली हूँ, उसी की तैयारी करनी है तोपा। तोपा है? फिर परिलोक का नामो निशान मिट जाएगा। वाह महाविनाश जी, वाह, है ही अच्छा। मैं भी बेकरार देखने को परियों की हार। याद आया परियों से? है क्या करना उस निकम्मी रक्षक परी का, हा? जो है हमारी कैद में। मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। तो बता, कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही हो। सही कहा तुमने रक्षक पर, अच्छा तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, जो भी करना चाहती हूँ बुरा ही बुरा करना चाहती हूँ। जैसे अभी तुम्हारे साथ करूंगी कुछ बुरा। बड़ी आई रक्षक परी, कर नहीं पाई खुद की भी रक्षा, बन गई एक मूर्ति। तौबा तौबा, मुझे परिलोक पर हमला करने की तैयारी करने जाना है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। जाइए जाइए, तब तक तुम यहीं रहकर इस मूर्ति की देखभाल करना। अरे लेकिन चुप, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। ये मूर्ति टूटनी नहीं चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो रक्षक परी आजाद हो जाएगी, और अगर रक्षक परी आजाद हुई तो रानी परी को हमारी योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गिन कर रखना। लेकिन सुनिए मेरी बात तो। अरे सुनिए, गई छोड़ के पूछे, अपनी तो कह ली, अरे मेरी तो सुन के जाती। अरे था जाना मुझे पृथ्वी लोक, हो रही है वहां पर परिधान प्रदर्शनी, है कहते उसे क्या वो हाँ फैशन शो, रंग बिरंगे कपड़े, हाँ रैंप वॉक। Ha ha ha!
आने वाला वहाँ पर भरपूर मजा, और यहाँ यहाँ रहना है एक सजा। करो क्या मैं, करो क्या मैं, अरे निकलू कैसे यहाँ से? चली गई छोड़ के मुझे अकेला इस मनहूस मूर्ति के साथ। लेकर क्यों नहीं जाता मैं इस मनहूस मूर्ति को अपने साथ पृथ्वी लोक? है ओ मैं भी बेवकूफ, क्या तो बात हो बात होगी। फैशन शो, फैशन शो। दोस्तों खुश रहो। दोस्तों न्यू दिल्ली के सानवी आमला, बेलगाम कर्नाटक के चिराग कदम, अलवर राजस्थान के राहुल चौधरी, चंडीगढ़ के हार्दिक सेठी, रोहतक हरियाणा के अंकित कड़ियर, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के सानवी चौधरी, पटना बिहार के संस्कार कुमार और दिल्ली के जनीशा शर्मा ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा पानी और बिजली की बचत करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। चलिए देखते हैं आज का खास पत्र। दोस्तों यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है विजयपुर मध्य प्रदेश के आर्या और अर्णव कुमार ने। दोस्तों आर्या और अर्णव ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा बिजली और पानी की बचत करते हैं और साथ ही साथ अपने माता पिता को घर के छोटे बड़े कामों में मदद करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।